नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ मनोज शर्मा। रामपुर उपचुनाव को लेकर हर पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है और अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साध रही है। इसी को लेकर रामपुर के मोहल्ला खजान खां कुएं के पास कांग्रेस की जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रामपुर कांग्रेस प्रत्याशी अरशद गुड्डू पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता रामपुर की जनता ने फूलमाला पहनाकर अपने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आजम खान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजम खान ने लोगों से उनकी जमीन छीनी, लोगों पर जुल्म किए, लेकिन अब जनता समझदार हो गई है। जनता के साथ जो भी बुरा हुआ वो उसका जवाब वोट देकर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे एक बार सेवा का मौका देकर देखिए, मैं आपके बीच रहकर काम करूंगा। और उसका डिटेल में आजम खान साहब ने आपको बताया, लेकिन मुझे टाइम कम मिला है, मैं भी जो बातें आपसे करता चलूं। आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, आपके जिस शख्स को नौ बार विधायक बनाया। बता दें कि यूपी उपचुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरह से जनता के लोक लुभावने वादे कर रही है और उनसे वोट देने की अपील की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि इस बार जनता के मन में कौन घर कर जाता है। ये थी रामपुर से हमारे संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर के साथ।